अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। आज दिनांक 1/11/2020 को रात सुबह लगभग 4 बजे कुछ अज्ञात बदमाश बैंक का चैनल काट के दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए और उन्होंने चोरी की है। बैंक का मोबाइल चुरा ले गए हैं, सामान बिखरा पड़ा हुआ है, कैश के ताले यथास्थिति में सुरक्षित पाए गए हैं और कैश पूर्णतः सुरक्षित है। हम ये कह सकते हैं कैश हमारा पूर्णतः सुरक्षित है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी या कोई व्यवस्था रात के लिए रहती है क्या बैंक में? बैंक में बैंक की सेम की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे यहाँ जो अलार्म वगैरह है वो सिस्टम कहाँ से? सायरन विधिवत जैसे उन्होंने स्पष्ट किया होगा कैश के उनको सायरन बजा और उसको सुन करके ही जो है लोग इकट्ठे हुए और उसको सुन करके चोर भागे। तो सायरन यहाँ कितने बजे बजा हुआ है? लगभग 4 बजे के आसपास सायरन बजा है। आपको इस तरह की कैसे जानकारी? मामला करीब 4 बजे का है। सुबह को अलार्म बजना स्टार्ट हो गया 4 बजे के समथिंग। हमने सोचा एम्बुलेंस या पुलिस व्हीकल का होगा। फिर लगातार बजने के बाद फिर हम नीचे गए, पापा भी गए, तो पापा ने देखा कि नीचे से ग्रामीण बैंक का चैनल खुला हुआ और लाइट जल रही है। तो हमें शक हुआ तो हमने तुरंत DM कार्यालय से कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और खुद भागते हुए थाने की ओर चले गए। मेरे जान पहुंचने थाने पर पहुंचने के बाद पापा की कॉल आती है मेरे पास कि एक मैरून शर्ट पहने हुए लड़का भागकर निकला है। जब तक हम पुलिस के पास सूचना करें तब तक वो किधर की तरफ भाग गया है? वो चेयरमैन ऑफिस ब्लॉक की तरफ भागता हुआ निकल गया। क्या लगा? जी मेरे यहाँ लगा हुआ है। नहीं, मेरा जो मेरी जो कैमरे का फोकस है वो मेरी शटर की तरफ है, वो बैंक की तरफ नहीं है। इन चौराहों पर कहीं CCTV कैमरे लगे हुए हैं क्या? नहीं लगे हुए। क्या आप अपने संगठन की तरफ से क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम अपने संगठन की तरफ से मांग करते हैं कि नगर के प्रत्येक चौराहे पर कैमरा लगाया जाए सुरक्षा की दृष्टि से और उनको ऑपरेट भी किया जाए। यदि कैमरे लगा कर छोड़ दिए उनको समय समय पर ऑपरेट किया जाए और उनकी चेकिंग हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी चौराहे पर अब सब्जियों का समय आ रहा है और इधर लॉकडाउन की वजह से देश में बेरोजगारी है तो जो युवा और जो आए हुए हैं कुछ अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी आए हुए हैं तो वो यही बुरा बात रहेंगे। तो इसी से मैं मांग करूँगा प्रशासन से कि प्रत्येक चौराहे पर CCTV कैमरे और संदिग्धों की पहचान करके पुनः पकड़ के दिए जाए। बस ऐसे ही जो बगल में अभी घटना घटित हुई इसके संबंध में अपनी बैंक देखने के लिए मैं आसपास देखा कि सही है, इसीलिए चेक करने के लिए आए हुए हैं। सब ठीक ठाक? हाँ सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी ब्रांच की। थैंक यू।